सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को खंडवा पहुंचकर ज्ञानेश्वर पाटिल का नामांकन दाखिल कराया। इसके बाद खंडवा के उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर पहली चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। वहीं कांग्रेस पर सीएम ने कटाक्ष किया, उन्होंने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया। वहीं इस मंच से सीएम यहां पर टिकट के सभी दावेदारों को भी साधने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर पाटिल सांसद बनेंगे तो वो नंदू भैया के अधूरे कामों को पूरा करेंगे। साथ ही पार्टी उम्मीदवार की जीत का भी दावा किया गया। ज्ञानेश्वर जी बहुत योग्य और समर्पित कार्यकर्ता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष के नाते भी उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और नंद कुमार सिंह चौहान जी के सहयोगी के नाते भी, साथी के नाते भी कई वर्षों तक उन्होंने काम किया है और हम सबका ये विश्वास है कि सांसद बनकर वो खंडवा संसदीय क्षेत्र की बहुत बेहतर सेवा करेंगे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया और उससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी राज नारायण सिंह नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी जीत का दावा करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ अरुण यादव, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी नामांकन दाखिल किया है। पूरी कांग्रेस एकजुट है और जब जब कांग्रेस एकजुट होती है तब वो विजय होती है। पहले क्या गुटों में थी? मैं बात जो बोल रहा हूँ बिना वजह की मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस जब एकजुट हो जाती है तो कांग्रेस जीत जाती है। कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं होती है भैया, क्योंकि चुनाव हार चुके हैं आप। कौन से परिस्थितियाँ रहती है? क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है स्थानीय मुद्दे तो ये हैं कि जैसे अपने यहाँ नर्मदा में करोड़ों अरुण भाई ने बहुत मेहनत करी, व्यवस्था करी उसकी, लेकिन करोड़ों रुपए भेंट चढ़ गए और जून में लोगों को पानी नहीं मिला। दूसरा, महंगाई चरम पे है, डीजल जैसी चीज़ 100 रुपये से ऊपर चली गई है। तीसरी चीज, बिजली पूरा इंदिरा सागर में खंडवा डूबा, हरदा डूबा, देवास डूबा, आज जो है बिजली की कीमत चरम पे चली गई। हमारे एरिया में थर्मल पावर, लेकिन बिजली जो है आज भी 10 घंटे ही मिलती है।